स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स। तो हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स शेप क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला शेप है वो है क्यूब। क्यूब मतलब ऐसा स्क्वायर शेप जिसमें आपको सभी व्यू दिख सकते हैं। देखो तो क्यूब है, उसमें कितने 8 कॉर्नर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और कॉर्नर को वर्टेक्स भी बोलते हैं। फिर है फेस, तो इस क्यूब के कितने फेस है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 फेस है। ठीक है, हमने जो डाइस आता है उसको देखा है, उसमें क्या होता है, यहाँ 1 होता है, फिर 2, 3 ऐसे होता है ना। तो इसमें आपको 6 फेस दिखेंगे। देखो ये है फ्रंट, फ्रंट फिर बैक, फिर राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, तो 6 फेस होता है उसमें, और इसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो क्यूब शेप होता है वो क्या होता है, जैसे आपने बॉक्स देखा होगा, तो वो क्या होता है, उसके अंदर आपने कुछ चीज रख सकते हो, बॉक्स जैसा जो शेप है उसे क्या बोलते हैं, क्यूब, जो देखने में स्क्वायर होता है, स्क्वायर शेप में होता है। फिर दूसरा है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में कितने फेस है, 6, यहां क्या आएगा फेस, और इसे क्या बोलते हैं, एज, और यहां कॉर्नर। ये वो कौन सा शेप है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, इनकी साइज और ये साइज में डिफरेंट होता है, इसीलिए ये रेक्टेंगल शेप में। और देखो आप इसी तरह से यहां सब जो है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्नर। ठीक है, जो यहां सब है वो कॉर्नर होता है, और इसका भी फेस होता है, ये फ्रंट फेस, फिर ये बैक, फिर ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें भी फेस होता है पर साइज अलग होती है। फिर आता है स्पीयर। स्पीयर शेप में क्या होता है, उसमें कर्व फेस होता है, जैसे ये बॉल देख लो, इसकी सरफेस कैसी है, कर्व है एकदम। तो अब हमारा जो अर्थ है वो कौन से शेप में है, स्पीयर शेप में है। तो ये स्पीयर का एग्जांपल है, जिसे आप लोग क्रिकेट और सब खेलते हो ना ऐसे बॉल से। फिर है कॉन शेप। कॉन शेप क्या होता है, आपको पता है, आपने आइसक्रीम कॉन खाया होगा, इस तरह का आता है कॉन शेप। आइसक्रीम हम लोग ऐसे खाते तो जो होता है वो क्या, इसकी भी फेस कैसी है, कर्व फेस है। और यहाँ की देखो ये नीचे जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट, और ये जो है वो कर्व है। ठीक है, और वर्टेक्स यहाँ ऊपर है। फिर है सिलेंडर शेप। तो सिलेंडर शेप ऐसा होता है, इसके नीचे भी फ्लैट फेस होता है और ये पूरा कर्व होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको राउंड दिखेगा, इस तरह से देखोगे तो आपको सिलेंडर शेप दिखाई देगा। तो इसकी भी सरफेस एकदम कर्व है और यहाँ फ्लैट होते हैं दोनों साइड से। तो अब आपको सॉलिड समझ में आ गया, सॉलिड शेप में रोलिंग भी होता है और स्लाइडिंग भी होता है। देखो अगर आप किसी बॉल को ऐसे धक्का मारोगे तो वो रोल हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, और ऐसी अगर ऐसी सरफेस को अगर हम हाथों से अगर धक्का दे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जाएगी। तो आपको शेप समझ में आ गया कि अलग अलग शेप्स होते हैं जिसमें यहाँ अलग अलग फेस दिखाई देते हैं। बेसिकली इसमें क्या, कौन सा शेप है, स्क्वायर, इसमें रेक्टेंगल, इसमें सर्कल, इसमें ट्रायंगल। तो ये सब में बेसिक शेप होता है, उसका जो पीछे का मतलब 3D जो होता है वो सॉलिड्स में आपको दिखाई देता है। अगर मैं ऐसे पकड़ू एकदम ऊपर से तो आपको सिर्फ फ्रंट का दिखेगा, अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूं तो आपको सभी उसकी साइड दिखाई देगी। तो आपको 3D समझ में आ गया कि ये 3D दिखाना हो तब हो सकता है। तो वो मिलने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ऑब्जेक्ट लाइक दिस मार्बल आर स्मूथ, दे हैव नो कॉर्नर्स। अगर हम लोग इसे पुश करें तो ये क्या होगा, रोल होगा। देखो ठीक है, तो रोलिंग कैसे होता है वो समझ में आ गया। अब एक ऐसा शेप है जैसे कि ये
और ये दोनों क्यूबॉइड और क्यूब, अगर इसे हम लोग धक्का दे तो क्या होगा, ऐसे स्लाइड करेगा, देखो वो स्लाइड करेगा। फिर आता है ऐसा शेप जिसके नीचे फ्लैट फेस है, अब अगर इसे हम लोग ऐसे धक्का देंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, पर अगर इसे हम ऐसा करके धक्का दे तो वो रोल करेगा। तो अब आपको रोलिंग और स्लाइडिंग समझ में आ गया कि कैसे होता है। अब आपको एक्सरसाइज उसके नीचे जो दी गई है वो एक्सरसाइज करनी है।